चुका है। कहता है कैथोड ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स आर चेंज सच दैट वर्क फंक्शन चेंज। अब देखो कैथोड मान लो एक इमीटर है जो फोटो इलेक्ट्रिक, ये यहाँ से इस पे हमने बीम डाला कुछ खास फ्रीक्वेंसी की दैट इज़ ग्रेटर देन न्यू नॉट, और यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, ये कैथोड प्लेट है, फोटो इमीटर है, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। अब कहता है कि पहले इसका जब वर्क फंक्शन था, पहले हमने मीटर लगाया था जिसका वर्क फंक्शन डब्ल्यू वन था, आ रहा समझ में, फिर हमने दूसरा वर्क फंक्शन चेंज कर दिया डब्ल्यू टू, और ये कह रहा है कि डब्ल्यू टू इज ग्रेटर देन डब्ल्यू वन, मतलब वर्क फंक्शन ग्रेटर होने से क्या मतलब है, वर्क फंक्शन जितना अधिक होगा उतना डिफिकल्ट होगा उसे इलेक्ट्रॉन निकालना, है ना। इफ द करेंट बिफोर एंड आफ्टर चेंज, अब देखो यार मेटल अदर कंडीशन रिमेंस, मतलब बाकी कोई भी कंडीशन चेंज नहीं हुआ, हमने मेटल पहले कुछ और लगाया था बाद में कुछ और लगा दिया, बाकी जो जितनी फ्रीक्वेंसी जितनी इंटेंसिटी ये जो बीम जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था इसकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है और इसकी इसकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है और इसकी इंटेंसिटी भी कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब जो फोटॉन्स पड़ रहे थे उनकी इंटेंसिटी चेंज नहीं किए हैं, तो सिर्फ मेटल का वर्क मेटल बदले हैं जिससे वर्क फंक्शन बदल गया है, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फोटो जो अब जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बन रहा था क्या वो चेंज हो जाएगा क्या यार, कभी नहीं चेंज होगा क्योंकि जब तक आप इंटेंसिटी चेंज नहीं किए करोगे, तो यहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है जितना पहले आ रही थी उतना बाद में भी आएगी यार, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट चेंज और ये I1 इज इक्वल टू I2, ठीक है।